ब्रेड ऑमलेट बनाने के लिए हमने दो अंडे ले रहे हैं हम। ये देखिए हमने एक अंडा लिया है, आपको क्या करना है इसे स्लोली स्लोली अपने बॉयल में डाल लेना है, फोड़ के, फोड़ के या तोड़ के, बस स्लोली स्लोली इसे डाल लीजिएगा। निकालने के बाद क्या करना है, हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ बिल्कुल, हम इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं, प्याज अपने हिसाब से ऐड करिएगा आप, जितना आपको प्याज चाहिए हो इसके अंदर। हमने इसमें एक प्याज डाला है बारीक और कटा हुआ, अदरक, अदरक 1 इंच बराबर, और स्वाद अनुसार हम इसमें मिर्ची ऐड कर रहे हैं और धनिया पत्ता, ये हमने एक छोटी बाउल से एक बाउल लिया है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम थोड़े बहुत मसाले, मसालों में ये नहीं धनिया मिर्ची ये सब नहीं करना, आधा चम्मच से भी कम 1/4 काली मिर्च, जीरा पाउडर 1/4, भुना हुआ जीरा डाला है हमने, और स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा टेस्ट के लिए आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसके बाद कर लेंगे हम इसको मिक्स। आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। हमने धनिया पत्ता थोड़ा ज़्यादा डाला है जिससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। मिक्स हो गया है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं ब्रेड ऑमलेट बनाना। ट्रिपल लेयर ब्रेड ऑमलेट बनाने के लिए हमने फ्राइंग पैन रख लिया है, आप कोई भी नॉर्मल फ्राइंग पैन रख सकते हैं जिसमें आप बनाते हैं, देसी घी डालेंगे। बटर में तो सभी बनाते हैं ऑमलेट, हम जो ब्रेड ऑमलेट बना रहे हैं हम बनाएंगे देसी घी में, और ये बहुत ही मस्त होगा और बहुत ही मजेदार। मेरे साथ बने रहे वीडियो पर एंड तक, और आपको हम बताएंगे किस प्रकार से बनाया जाएगा ये देसी घी वाला ऑमलेट। देखिए जैसे ये मेल्ट होने लग रहा है, आपको क्या करना है स्लोली स्लोली से राउंड करें, उसके बाद अपने ब्रेड को उसके ऊपर एक एक राउंड कर लें, आपको अपनी तीनों ब्रेड इसी के ऊपर लगा देनी है। हम ट्रिपल लेयर वाला ब्रेड ऑमलेट बना रहे हैं, बस आपको क्या करना है थोड़ा थोड़ा सा दोनों साइड से सेक लेना है, ज्यादा नहीं सेकना, थोड़ा थोड़ा सेक लें, जैसे ही हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा हो गया, ये देखिए जैसे ये, बस आप इसको निकाल लें, ये फर्स्ट स्टेप क्लियर। फिर आपको क्या करना है, दोबारा आपको देसी घी इसमें डालना है, देसी घी का ऑमलेट बहुत ही मजेदार होगा, बस इसे करें मेल्ट, देखिए ये मेल्ट हो गया है, बस आपको क्या करना है इसके बाद अपना एग जो है ये डालें इसके अंदर, बस स्लोली स्लोली आपको इसको हिलाना है ऐसे करके, ये देखिए 2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें, और साथ ही आप इसमें अपना जो ब्रेड था वो आपको रोल अप कर लेना है पूरा इस प्रकार से, ऐसा ही सेकंड वाला भी। बस आप इसे लो से मीडियम फ्लेम पर पकाएं, और आपको धीरे धीरे से ये जितना आपका ये एक्स्ट्रा पार्ट है ना रोल अप करना है इसके ऊपर, ये सारा इसी के ऊपर आपको कर देना है, बस इसको आराम आराम से इसके ऊपर करें, ये देखिए, और फिर इसे हमें से कर देना है, पलट देते हैं हम इसे, हमने अपने ब्रेड ऑमलेट को पलट दिया है, और बस इसे हम दूसरे साइड से भी सेक लेंगे अच्छे से, देखिए ये सिक रहा है, तो बस इसमें थोड़ा सा और हम देसी घी ऐड करेंगे, करेंगे थोड़े से प्याज, प्याज लगा देना है इसके साइड में, एक साइड तो डालेंगे हम इसमें टमाटो सॉस, ये हमने टमाटो सॉस का यूज करा है, इसके साथ एक हम ब्रेड लगाएंगे अपना, ये ट्रिपल लेयर की ब्रेड बना रहे हैं हम ब्रेड ऑमलेट, और एक साइड डालेंगे हम ग्रीन चिली, और इसे बस स्लोली स्लोली हम पलट लेंगे। इसको आपको क्या करना है, बस कवर करना है इस प्रकार से, ट्रिपल लेयर का ब्रेड ऑमलेट बनके तैयार है। ये हमने आपके लिए सर्व कर दिया है ट्रिपल लेयर का ब्रेड ऑमलेट, देसी घी वाला, टमाटो केचप डाल रहे हैं, बस अब आपको हम कट करके दिखाते हैं ये कितना मस्त बना है।
अब बिल्कुल सॉफ्ट है आपकी लेयर, देखिएगा ये देखिए, ट्रिपल लेयर वाला ब्रेड ऑमलेट बनके तैयार है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नमस्कार।